नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुकाबला 10 का। क्या कहोगे अमित सर? तो देखो दोस्तों, साकेत सर गए हैं बाहर, थोड़ा आउट ऑफ मतलब इंडिया, तो मैं आपके साथ हूँ उनकी जगह पे। ठीक है, तो आज भैया जीतने का मौका है। आज तो सबसे पहले ये देखो, सुनो, क्योंकि आज आसान चीजें हैं, मतलब करंट अफेयर्स आसान, मतलब कि सबको पता है, चाहे वो बैंक का बंदा हो चाहे वो SSC का बंदा हो, मतलब एनीबॉडी कैन सॉल्व दैट। तो तैयार रहो और सॉल्व करके दिखाओ। जो भी है बताएंगे हमारे जो है लोकेश सर बताएंगे। तो सारे एक बार जितने भी बच्चे हैं, एक बार वो विनर्स की लिस्ट देख लें जो अभी तक हमारे हुए हैं। एक बार कंप्यूटर जी विनर्स की लिस्ट दिखा दीजिए। उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर जी। अच्छा, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। तो ये विनर्स हैं हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शंकर कुमार हैं और योगेंद्र सुकांकी, महेश कुमार, शुभ्रशीष गांगुली, आनंद राज चौधरी और चौधरी साहब जो कल जीते थे, उनकी ईमेल आईडी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है। मैं 2 टाइम वेरिफिकेशन करता हूँ। एक बार जो बंदा मेरे को मेल करता है, क्या पता वो फेक हो, फिर मैं कमेंट चेक करता हूँ। तो आपने कल के एपिसोड में कमेंट नहीं की थी अभी तक, तो इसी वजह से चौधरी साहब आपकी जो कमेंट है वो बेसिकली आप अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो अपना ईमेल आईडी जल्दी से जल्दी वेरीफाई करा लें। एक मुझे लगता है कि अगर हम उसका पूरा कमेंट देखें तो कल करी थी कमेंट। अच्छा नहीं सर, वो जो वीडियो खत्म हो जाती है ना तब, तो एक वो अपनी मेल आईडी भी करी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखना पड़ेगा हमें दोबारा, मैं वेरीफाई। चलो अच्छा, और बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नींद उठ तो नहीं आ रही है? आसान क्वेश्चंस होंगे, नींद वैसे भी उड़ जानी है। ठीक है सही बात है। अगर नींद सर दो बार उड़ती है, या तो क्वेश्चन बहुत आसान हो बिल्कुल, या तो बहुत टफ, बहुत टफ हो। और बहुत टफ में तो तुम देखोगे ही नहीं, तो आसान इसलिए लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम दैट। तो कंप्यूटर जी दिखा, अरे ये क्या है भाई? पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर बता दो यार, जल्दी से यार। अभी लगाते हैं आप जो पहला क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर जी क्या आप तैयार है टाइमर के साथ? यस। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या चाह रहे हो ये? जल्दी से निकालो आंसर फटाफट गाइस, फास्ट। तो अब देखो इसमें क्या पेन चाहिए था क्या? क्वेश्चन हमारे सामने है कि यार 43 - 4 + 9 मतलब ये हो गया 48, और डिवाइड करना 24 से तो 2 हो गया, और 2 में से -4 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर हम मतलब लिखेंगे 2, एक सेकेंड यहाँ पे दोबारा से वो पेन यूज कर लिया। ओके एक सेकेंड, तो हम अगर लिखेंगे 2 - 4, देखो भाई यार ये वाला सिस्टम हमको आता नहीं है ढंग से, तो जो है घबराना मत कोई। तो दिस इज -2, सिंपल है यार। तो देख लीजिए कितने प्रतिशत भारतीयों ने इसका सही आंसर दिया होगा, -2 दिया हुआ है। तो एक्चुअली सर हमें प्रतिशत से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सबसे जल्दी कौन देगा। अच्छा हाँ, तो सबसे जल्दी जो आंसर इसका -2 दिया है, दैट इज आनंद राज चौधरी, क्योंकि वो ऑलरेडी विनर है तो एलिमिनेट होंगे। चौधरी साहब भी विनर हैं, एलिमिनेट। तो आकांक्षा चौकसी के नाम से हैं जिन्होंने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया है। तो इनका नाम मैं नोट कर लेता हूँ, एक मिनट। साथ ही टीम से मैं अनुरोध करता हूँ, एक बार जरा पेपर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बहुत जबरदस्त, मतलब भी तो कमाल हो गया। जब तक अगला क्वेश्चन दिखा दिया जाए, इनका नाम हम अब बस याद कर लीजिए। जी जी, आकांक्षा चौक्स। अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यार मुझे तो लग रहा था ये आसान होगा यार, ये तो टफ है, मिस ट्रांसक्रीन। चले देखते कौन इसका आंसर बताता है। यार इतना भी इजी मत करो सेशन सर, ये चीटिंग है, आई एम द फर्स्ट वन। तो ये देखो आंसर जिसका सबसे पहले आएगा उसी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वीडियो लाइक कौन करेगा यार, तो लाइक तो करो। हाँ, मिस ट्रांस क्वीन का सब सर बताएंगे क्या है, किससे रिलेटेड है ये? जी ये रहा इनके बारे में सारा कुछ लेकर आया हूँ। वीनस हेनरी फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज बीन चूजन एज द इंडिया फर्स्ट मिस ट्रांस क्वीन।
winner defeated Namita Amu of Tamil Nadu to claim the title of national level beauty contest organized in Bombay. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था सर, जो कि ट्रांस में से जो ट्रांस लोग होते हैं तो वहाँ से ये बेसिकली वो बनी है मिस ट्रांस क्वीन, राइट? तो ये उसके बारे में था. एंड सैंड्रेज का सही आंसर है, तो देखते हैं कि कितने वीना सैंड्रेज किन्होंने दिया है. बहुत जबरदस्त, कितने लोगों ने दिया सर पता करिए सर. हाँ, अतिया चित्सी ने इसका सबसे पहले सैंड्रेज दिया है. राइट, तो ये मैंने लॉक करता हूँ, आप भी चेक करते रहिए साथ में. अच्छा, राइट, आतिया चित्सी, राइट, पहला और दूसरे पर आतिया चित्सी. ये वैसे देखा जाए तो सर टफ क्वेश्चन था मेरे को लगता है कंपैरेटिवली. हाँ, तो अब एक आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को खेलना वेलना बहुत पसंद है. आप बताते हो कि मैं बहुत ज्यादा बच्चों से मजे मजे लेता हूँ क्लास में. हाँ, तो आपके ही रिक्वेस्ट पे मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया. आपने कहा था कि भैया कुछ ऐसा रखना जो मजेदार हो. हाँ, ये मतलब ये ज्यादातर मैथ्स नहीं रीजनिंग है, कंपैरेटिवली दिस इज अ गेम गाइस. सो देखो जो टफ है वो अभी पढ़ा के आया हूँ मैं ओवरऑल, बट ये है कि अपना दिमाग को थोड़ा फ्रेश कर लो फटाफट आंसर निकाल के. ठीक है, तो ये दिस इज अ गेम कंपैरेटिवली अ नाइस गेम, सो लेट्स प्ले इट लाइक अ गेम. सो गाइस जस्ट आंसर इट, कम ऑन. आई थिंक बफरिंग इज द प्रॉब्लम. यस, एग्जैक्टली द बफरिंग इज द प्रॉब्लम. तो उसको लाइक कर दो, वीडियो को बफरिंग खत्म हो जाएगी. कंप्यूटर जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ. रिफ्रेश भी कर दीजिए सेशन को, रिफ्रेश कर दीजिए. राइट, तो एक बार गेम्स में बता देता हूँ सर. एक बार बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या गेम्स होने वाले हैं, तो छोटा सा ब्रीफ में गेम्स बता देता हूँ. भैया 10 लोगों में आपको आना है, टॉप 10 में पहुंचना है. सेकंड राउंड होगा आपके टॉप 10 बच्चों का. राइट, तो उसमें क्या है कि जितने बच्चे यहाँ से वो उठा लिए जाएंगे, उठाने के बाद मतलब उन 10 बच्चों के बीच मतलब में एग्जाम कराया जाएगा. कमेंट्स उठा लिए जाएंगे, समझना तुम. हाँ, बच्चे नहीं उठाएंगे हम, कोई हम इतने खतरनाक नहीं है. तो जितने भी यहाँ पर हैं वो उनको मैं बता दूं कि आपको बस क्या है कि हर दिन जीतना है. हर दिन आपको कोशिश करनी है कि मैं आ जीतूं. जैसे ही आप टॉप 10 बच्चे, 10 शो चलेंगे 10 दिन, तो 10 बच्चे हमारे पास आ गए, उन 10 के बीच में कंपटीशन होगा और उनमें से पहले जो लास्ट के साथ होंगे, जो पीछे वाले साथ होंगे, उन्हें टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी. पहले वाले को लाइव जो हमारा कोर्स होता है, जैसे कि सर हैं और भी जितने भी टीचर्स हैं, वो पूरा का पूरा एक कोर्स आपको फ्री, दूसरा पेड कोर्स आपको फ्री, एंड द थर्ड वन जो वो है एक स्मॉल पेड कोर्स, एक सब्जेक्ट का पेड कोर्स आपके लिए फ्री होगा. तो इतना कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए. राइट, आपको रोज इस समय हमारे साथ जुड़ना चाहिए इस गेम में. तो जल्दी से क्वेश्चन दिखाया जाए, इसी बात पे क्वेश्चन दिखा जाए और सब लोग इसका आंसर बताओ, जल्दी करो. यस, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन दिखा दिया. 40 सेकंड इसके लिए बहुत ज्यादा है. कंप्यूटर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 20 सेकंड बाद ये टाइमर वाइमर हटा दीजिएगा आप. ठीक है, और इसका आंसर लोकेश सर खुद करेंगे, मतलब समझ जाओ ये कि जीएस वाला बंदा ये मैथ्स का आंसर निकालेगा फटाफट. ठीक है, कौन बोल रहा है, क्या मनोज बोल रहे खरीद लूंगा. खरीद लो यार मनोज, हमारे लिए अच्छा ही है. ठीक है, खरीद लो, उसमें भी फायदा है और हम दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बस आंसर निकालो, बस ये कहने का मतलब है. भर दिया सर, कंप्यूटर जैम हो गया. हाँ, तो वही तो मैं चाहता हूँ. ठीक है, ऐसा करो कि लोकेश सर पता ही नहीं कर पाए कि किसने आंसर दिया है. ठीक है ना, मतलब एग्जैक्टली डू समथिंग लाइक दैट कि इनको पता ही ना चले कि कौन आंसर कर रहा है. ठीक है, ये समझो, इतने आंसर भर दो पूरे कंप्यूटर को, हैंग करवा दो. ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब इससे आसान भी कुछ हो सकता है? नहीं सर, वो मजेदार गेम है और आपको पता है. तो ये कुछ ऐसा था जो क्वेश्चन है, 9 2 11. हाँ, तो पीछे 11 लिख दिया, 9 अच्छा, में से 2 गए तो 7, वैसे ही नीचे वाला लास्ट ठीक वाला. है, 12 में से 3 गए तो 9 और 12 और 3 15, तो 915 915. अच्छा, किसी ने क्या गलत भी किया है ये क्वेश्चन, देखते हैं सर. मगर सही देख लेते हैं. सबसे पहले स्तुति कुमारी ने इसका सही आंसर दिया है. अच्छा, और स्तुति कुमारी कल जीते जीते रह गई थी. मैं सोच रहा था जिसने गलत किया उसी को आप विनर बना दें इसमें, बाकी सबका तो सही है मोस्टली. ठीक है, बट कोई नहीं दोस्तों, वी नीड टू प्ले द गेम. दीपक यादव ने गलत दिया है, 815 लिख रखा है. नो, उन्होंने दीपक यादव ने गलती से गलत कर दिया होगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसको पता है. योगेश कुमार 515, 555. चलो ठीक है, ठीक है, वो तो जस्ट फॉर फन, ये मत समझ लेना गलत वाले को इनाम दे देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है. चलिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ रहा है. यार आप, ये भी टफ क्वेश्चन हमको लग रहा है, दिखाइए स्क्रीन पे कंप्यूटर जी. Who has been honored with the social entrepreneur of year 2018? अमित सर क्या कहोगे?
या सर ये तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, आपने मेरे ऊपर डाल दिया था अपना क्वेश्चन। अगर मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर डाल दूं तो मेरे को नहीं पता है, दिस इज सिंपल थिंग यार, मेरे को नहीं पता तो नहीं पता है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग से ऐसा ही है, मतलब अगर नहीं आती चीज तो नहीं आती। बाकी यार सबकी इंसल्ट नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार, दिस इज नॉट लाइक दैट। वी आर, मैं यही चाहता हूँ कि आप सब एक बार अटेम्प्ट करें, चीजों को समझें, बाकी तो सब ठीक ही है। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। ये देखिए आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा, प्रेमा गोपाल है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, ढेर सारी डिटेल्स मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मगर देखते हैं कितने बच्चों ने प्रेमा गोपालन आंसर दिया। मेरे को तो लगता नहीं है सर अभी तक किसी ने प्रेमा गोपालन आंसर दिया है। बट सर ये ऐसे क्वेश्चन आप लाते कहाँ से, मतलब क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? नहीं सर, विशाल शर्मा ने दिया भी है प्रेमा गोपाल। देखिए अच्छा। सर होता है क्या कि जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है बैंकिंग की, एसएससी की, तो वहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो अहम रोल निभाते हैं। अच्छा। इसी वजह से आपको पता है सुबह सुबह कुछ सर तैयारी करते हैं, इसीलिए तैयारी करते हैं ताकि जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम इन सारी चीजों को कवर करके चले। इंटरनेट पे ढेर सारे क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बच्चों के लाता जाता हूँ। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जैसे हम तो ये देखते हैं ना भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो ऑफ द टॉपिक होते हैं, तो यू नीड टू लाइक कि उसको भी पढ़ने का है ये समझ के चलो। सर आतिया चित्सी ने इसका सही आंसर सबसे पहले दिया, तो अभी कंपटीशन में मतलब वो चल रही है, आतिया चित्सी सबसे आगे चल रही है। अच्छा, इन्होंने कितने आंसर कर दिए? दो सही आंसर कर दिए। ओके ओके, चलिए ठीक है भाई। तो यार मेरे को नहीं पता कि लड़कियां हैं लड़का, नाम कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ अरे बाप रे बाप, सर ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये आसान क्वेश्चन है, ये भी सर आप ही करोगे। ठीक है। तो भैया देखो 400 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 80 है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों करते हो यार। ठीक है, उसको लाइक करो, देखो जिसको डिसलाइक करना वो करके चला गया, दो डिसलाइक तो उसको लाइक तो करो, एटलीस्ट 400 लाइक तो कर दो, बाकी 20 लोग का छोड़ देते हैं। हाँ तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया सर ये? हाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ तो ये था क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ इजी क्वेश्चन, यस बिल्कुल। कौन बोला ये बताइए, इनका क्या नाम है इनका? केवीआर कुमार। केवीआर कुमार, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग इजी क्वेश्चन राइट। यस तो यार 10% पहले इंक्रीज्ड हुआ और 10% फिर डिक्रीज्ड हुआ, तो मतलब यार अगर बेसिक आपको परसेंटेज आता है तो मीन्स ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने जो है इसका आंसर निकाला है। कुछ भी नहीं करना, चाहे ए प्लस बी वाला लगा लो आप, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो 100 मान के कर लो कि 10 इंक्रीज हुआ तो 110 हुआ, ठीक है, और फिर 10% कम किया तो 11 कम कर दिया, तो मतलब 99 हो गया, मतलब 1% लेस हो गया। ठीक है ना, सो 1% लेस हो गया दोस्तों। उस समय सर जब मैं तैयारी कर रहा था, अब तो मतलब सारी चीजें क्लियर विलियर हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो शायद उसी से ये हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। बाकी अब तो हम ऐसे जीएस वगैरह में ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता है, तो गलती हो तो पकड़ लेना सर। ठीक है, तो सर इसका सही आंसर एक माना जाए या माइनस एक? माइनस एक, अगर किसी ने लिखा हुआ एक तो 1% कम, नहीं तो लिखा हुआ माइनस एक तो माइनस एक आंसर माना जाएगा। तो सर एक्चुअली है क्या, पुनीत सर भी हैं हमारे साथ, पुनीत कुमार शर्मा, अच्छा वाह, और रेनू शर्मा है, अब दोनों शर्मा के बीच में ये बात आर्टिकी है, दोनों ने एक साथ आंसर दिया है, दोनों ने एक और माइनस एक आंसर दिया है, तो जिसने माइनस एक दिया उसका सही माना जाएगा ना सर। तो ठीक है सर, हम रेनू जी के साथ जाते हैं। रेनू जी आपने माइनस एक आंसर दिया, बहुत बढ़िया, तो आप इस क्वेश्चन पर एक तरीके से कह सकते हैं जीत चुकी हैं राइट। यार एक बार सेशन को लाइक वाइक कर दे सर। देखो आपको नहीं लगता सेशन में बच्चे बहुत ज्यादा लाइक बहुत कम है? नहीं वो धीरे धीरे कर देंगे, उनको मजा जैसे आएगा वैसे कर देंगे ऐसा लग रहा है अब। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन कैसा सर एक बात बताइए जो आने वाला है? प्रदेश इलाहाबाद जंक्शन दिखा दीजिए क्वेश्चन सर, तो पढ़ ही देंगे वरना। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अरे वाह, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है दोस्तों, ये सब आपको शायद पता होगा। चलिए बताइए इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल के क्या रखा गया है?
राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ऑलरेडी राधे कृष्णा ने कर दिया, मतलब राधे कृष्णा और राधे सर ने कर दिया लग रहा है, राधे सर ने, ठीक है। तो क्या आंसर है सर इसका? प्रयागराज। प्रयागराज, बहुत सही। तो सर पूरा इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया या सिर्फ इलाहाबाद स्टेशन का नाम चेंज हो गया पर्टिकुलर? अच्छा, ओके। ऐसे अभी आपको पता है कि अभी जैसे अब हम लोग चलाते हैं फेसबुक वगैरह, बहुत सारे मीम्स चलते रहते हैं, तो जनरली बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि नाम बदले जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसी का जो फल है। तो ये यहाँ पे मैंने जैसे लिखा भी है, एक बार दिखा दीजिए इसके एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये प्रपोजल था जो अप्रूव्ड हो चुका है और अब इसका नाम प्रयाग बेसिकली रख दिया गया है। और ये तो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन? हाँ सर, थ्री रिवर्स लिखा हुआ है ना, थ्री रिवर्स फ्लो करती है वहाँ से उस स्टेट में मिलने के लिए, राइट। तो इस वजह तो मतलब इसका नाम पहले प्रयागराज था, बाद में इसका नाम इलाहाबाद हुआ, अब दोबारा प्रयागराज हो गया, मतलब चीजें बैक टू ओरिजिनल हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पे सर राधे, तो मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ यार, कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है नाम बदलना? क्योंकि आप लोग भी यार सब 18 साल से ज्यादा ही हो गए, वोट दे सकते हो, आपकी क्या राय है? अगर आपको लगता है ठीक है तो यस लिख के टाइप करो, लगता नहीं ठीक नहीं है तो नो लिख के टाइप करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस बात से सहमत है, मतलब दे एग्री एंड दे आर इन फेवर, क्या ठीक हुआ प्रयागराज होना चाहिए था। बिल्कुल, आपको रीजन पूरा समझा दिया कि पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हुआ, तो इज इट गुड और नॉट? तो देखते हैं कितने लोग इस पे अपना अपना मतलब कहते हैं अपना मत जाहिर करते हैं। जाहिर करते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सही, जबरदस्त, ठीक। तो सर मैं ना एक क्वेश्चन में आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन लाओगे ना वो पिछले वाले से थोड़ा टफ लाओगे, क्योंकि मैं वाकई में परेशान हो गया था कि किसने सही आंसर दिया। तो यही तो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे परेशान करना सरकार उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर जी, ये वाला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दीजिए 40 सेकंड के टाइमर के साथ, बच्चे तो बहुत जल्दी आंसर कर देंगे। तो डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट दे दिया, तो कितने के बराबर डिस्काउंट दे दिया? तो ये वो जो इलाहाबाद वाला क्वेश्चन था उस पे कुछ लोगों का एक आध बढ़िया कमेंट भी मिला कि नहीं सर वो पैसा बर्बाद होगा। सही बात, ठीक है। तो लेकिन चीजें मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बढ़िया है, ये कमेंट मेरे को सही लगा कि पैसा बर्बाद होगा, और ऑब्वियसली बात है कि बर्बाद तो होगा, नाम बदला जाएगा तो हर जगह बदला जाएगा, दैट इज अ गुड पॉइंट। सो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों का ही जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू है एंड इट फील्स गुड यार, बढ़िया है। एंड आई थिंक सर इसे रिलीजन से जोड़ के ना देखा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि गुड़गांव का नाम भी गुरुग्राम हुआ है, दैट्स नॉट अ रिलीजन पार्ट, रिलीजियस पार्ट नहीं है वो, बट ये एक्चुअली जो मिनिस्टर हैं योगी जी, तो उन्हें जोड़ के देखा जाता है बार बार। बाकी सबके अपने अपने मत हैं, हमारे भी कुछ मत हैं, आपके भी कुछ मत होंगे और बच्चों के भी कुछ मत हैं, हम सबके मतों का क्या कहते हैं सर अभिनंदन करते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत मजेदार आ रहा है, दो आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है भैया 28% एक आ रहा 32%। तो जिसका 32% आ रहा है वो गलत है भाई, और जिसका 28% डिस्काउंट आ रहा है वो सही है, 28% इज द राइट आंसर, 28% इज द राइट आंसर। तो सर सबसे पहले तो दीपक यादव ने इसका 28 दे दिया, हाँ, तो वही अपने को देखना है कि 20% का डिस्काउंट पर 10% का डिस्काउंट नॉर्मल है, डिस्काउंट कहीं भी कोई भी एक बार डाल दो यूट्यूब पे डिस्काउंट, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, हमारी वीडियो अड्डा 247 पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, इंडिया टुक रैंक इन द थर्ड एशियन पैरा गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया, जो जकार्ता में जो सर जो पैरा गेम्स हुए थे उसमें भारत की रैंक बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो अच्छी खासी रैंक आई थी भारत की यहाँ पर। अच्छा ये हाँ इसमें बहुत गोल्ड जीते थे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा सर, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि हमने पहले दिया हमने पहले दिया, वो ये नहीं देखते कि हमारे पास जो आंसर आया हम उसी को बताएंगे। अच्छा ये नेट का स्पीड पे भी थोड़ा डिपेंड करता होगा। अब मैं बार बार इन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कई बार होता क्या है सर सेशन में पीछे चले जाते हैं हम लोग, अच्छा तो रिफ्रेश करते रहे सेशन को।
सर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रेनू शर्मा ने 9 दिया, बिल्कुल सही आंसर है इसका 9। एक बार एक्सप्लेनेशन दिखा दीजिए, टोटल कितने देश थे इसमें, इस गेम में? सर देख लीजिए यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, राइट। तो इसका जो है वो 9 आंसर है, 9th रैंक थी भारत की। सर आप एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं कल जब सेशन में चल रहा था तो वहां पर एक चीज आई थी कि मैथ की तैयारी कैसे करें, तो आप बच्चों को कुछ गुरु वाले टिप्स देना चाहोगे? जैसे यार ये तो मैं देखो हमेशा बताता ही रहता हूँ, बस सीधी सी बात है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हो इससे पहले 9 बजे वाली वीडियो जाके देखो, उसमें आपको चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो जब आप नया नया शुरू करते हो तो बेसिक बहुत अच्छा कर लो अपना, क्योंकि वो जमाना नहीं रहा अब कि आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक सीख लिया और उड़ने लगे। अब आपको बेसिक अच्छा करना पड़ेगा, तब आप जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फिलहाल अभी इस गेम के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब ज़्यादा करूँगा नहीं, बस इतना बोलूँगा बेसिक अच्छा करो, बस बेसिक अच्छा करो। और ये बात मैं 50 बार बोल सकता हूँ कि बेसिक अच्छा करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, बाकी चीज़ें कुछ भी होगी देख लेंगे हम लोग, ठीक है? वो जमाने चले गए जब आप थोड़े से शॉर्टकट सीख के एग्जाम निकाल लेते थे, वो पिछले जमाने थे, अभी नया गेम शुरू हो रखा है। हाँ जी सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। 9 सबसे पहले किसने दिया था? तब तक हम अगला क्वेश्चन दिखा दें। हाँ अगला चेक करते रहे, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तो दिखा दिया जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से सब लोग इसका आंसर बताएंगे, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, एवरीबडी विल टेल द आंसर। सर रेनू शर्मा ने दो, और देखो अरुण सर भी आ गए हैं, और हलवा है, सब हलवा है, ठीक है? ये ध्यान रखना, उधर से अभी बोलेंगे अरुण सर कि सब हलवा है, ठीक है? और सच में हलवा है, ये तो हलवा से भी हलवा है, ठीक है? तो अरुण सर अगर हलवा से भी आसान हो तो उसका क्या नाम देंगे, तो जाहिर सी बात हमें पता चलेगा अभी। यस सर ही बताएंगे ये बात। चलिए तो पिछले वाला आंसर कौन जीता था सर? रेनु शर्मा पिछले वाला। रेनु शर्मा बहुत तेज खेल रही है। हाँ सर आदित्य चित्सी और रेनु शर्मा के बीच में गेम बना हुआ है। हाँ हाँ अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बने, जो क्या गेम से कुछ लोग आउट हो गए ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी गेम पूरा चालू है, सभी के लिए खुला हुआ है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास अभी? हमारे पास बचते हैं 11 क्वेश्चन, इसको इसे हटा के 10 क्वेश्चन कुछ बचते हैं। तो यार इसका आंसर तो बता दो यार एक बार सब लोग, यार मैं देख रहा हूँ हैंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है? तो 60 बता रहे हैं सब लोग आंसर, और बिल्कुल सही है सर, 60% आंसर है। अच्छा 60 चेक कर लेते हैं। हाँ। तो सर भूपेंद्र वत्स ने सबसे पहले 60 दिया है। ओके गुड, तो 60% दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर, आगे नेक्स्ट दिखा दीजिए। हाँ स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन राम सर दिखाया जाए। यस तो भैया 2018 विश्व अंडे दिवस का विषय क्या था? तो अंडा ही होगा है ना, सिंपल की क्वेश्चन हटा लें। क्वेश्चन हाँ टाइम समाप्त होते ही क्वेश्चन हटा लें। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी धीरे सुनते नहीं है, थोड़ा तेज बोलना पड़ता है। हाँ मैं 4 क्वेश्चन का सबसे पहले दिया सर, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? वही सर वही तो प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। नहीं सर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आज। हाँ क्या वर्ल्ड लाइक दिस डे एवरी ईयर ऑन सेकेंड डे। मिल गया आंसर सर, मिल गया मेरे को। स्क्रीन पे ये दिखा दिया जाए एक्सप्लेनेशन, आंसर दिखा दिया जाए एक्सप्लेनेशन के साथ। द वर्ल्ड लाइक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड फ्राइडे इन अक्टूबर एंड वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1996। द डे हेल्प्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एग्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। Wow. प्रोटीन फॉर लाइफ इज द स्लोगन, इज द थीम, यू कैन से दैट कि थीम जो था वो प्रोटीन फॉर लाइफ। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है, क्योंकि सर जो एग है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सही सलामत होती है, अच्छी खासी अच्छा। होती है, राइट। हटा लीजिए कंप्यूटर, हमें दिखा दीजिए अगला क्वेश्चन। सर मैथ से कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन देखने में? बहुत ऐसा ही है, बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। हाँ, बच्चे कर पाएंगे? सब कर लेंगे, बहुत ज्यादा ही कर लेंगे, हमारे साथ 500 लोग जुड़ गए। 500 एक बार यार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग 500 जुड़ चुके हैं, राइट। अंडे फोड़ो को चले, अंडे का फंडा
राइट आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा. अंडे का फंडा ये प्रोटीन फॉर लाइफ, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर लाइफ. ओके तो ये क्वेश्चन दिखाया जाए स्क्रीन पे प्लीज. क्या था, क्या लिखा है ये? अच्छा अरे भाई ठीक है चलो आंसर बताओ यार तुम जो है फटाफट आंसर बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका. और आंसर आने शुरू हुए सर. पूछा है क्या कि एरिया पूछा है, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है ना. अच्छा डायगोनल दे रखा है 25, तो मतलब यार हमें ये पता होगा कि अगर जैसे सपोज, एक सेकेंड मैं पूरा बना ही देता हूँ आज, कर देता हूँ ये वाला क्योंकि ये शायद कर देना चाहिए था. तो सपोज ये है रेक्टेंगल्स, आपको रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है एक. अब इसका डायगोनल दे रखा है 25, तो ये 25 हो गया, ये 90 डिग्री है. एक साइड 24 दे रखा है, तो अब इसको देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए कि ये 25 है 24 है, मतलब ये हाइपोटेनस है, तो ये अगर बेस है तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, उसमें से क्या 24 का होल स्क्वायर 576 घटाना पड़ेगा. तो 625 से 576 तो 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है 7. अब क्या चाहते हो बताओ, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हलवा है हलवा. तो यानी 24 × 7 हो जाएगा, और 24 × 7 कितना हो जाएगा भाई बताओ, 168. और ये आपका आंसर 168 सर. पुनीत कुमार शर्मा, पुनीत सर ने सबसे पहले दिया, हमें दिखा दीजिए. पुनीत सर ने सबसे पहले, पुनीत कुमार शर्मा इन्होंने दिया है, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई इनसे पहले है या नहीं है. देखो बहुत सारे लोगों ने साइड बता दिया था, देखो जोश हाँ जोश में हाँ होश मत खो, खेलो अच्छे से खेलो. ठीक है. पिछले क्वेश्चन का विनर नहीं बताए थे क्या हम? बता दिया, विशाल शर्मा पिछले क्वेश्चन के अच्छा विनर थे. अच्छा 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 ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिखा जाएगा कंप्यूटर से स्क्रीन पे. अगला क्वेश्चन लाइए यहां से. अगला क्वेश्चन ये है, और बहुत आसान क्वेश्चन है. कंप्यूटर स्क्रीन पे, कौन सी कंपनी टॉप ब्रांड बनी है 2018 की, वर्ल्ड की टॉप ब्रांड बतानी है. इंडियन कंपनी है? नहीं सर, अच्छा वर्ल्ड में. वर्ल्ड इंडियन का कहाँ नाम आता है, अभी आएगा धीरे धीरे, इंडिया का भी टाइम आएगा एक दिन. राइट, समय समाप्त हुआ आई थिंक, और हटा लीजिए क्वेश्चन को, एक बार देख लेते हैं. अर्जुन दीक्षित, यार वाह देखो आप बात तो सही कह रहे हो यार कि वन इरेज हो गया था. अर्जुन दीक्षित बोल रहे हैं कि सर वन इरेज हो गया था, 68 हो गया था, तो टाइप करने में जल्दी हो गई, गलती हो गई. ठीक है. तो सर उसके लिए तो शायद हम जिम्मेवार नहीं होंगे. हाँ तो ये उनकी गलती. राइट, एक बार इसका दिखा दीजिए, एक बार जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखा देते हैं आपको. तो एप्पल इसका सही आंसर होगा. देखिए अब बहुत सारे बच्चे अमेजन भी बता रहे हैं, अब अमेजन क्यों नहीं हो सकता. राइट, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता सर. देखिए अमेजन का मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा उसने कमाई की है, मगर केवल कमाई नहीं देखी जाती यहाँ पर, देखी जाती है ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ. राइट, एसेट्स कितने जोड़े उसने, शेयर्स कितने जोड़े अपने साथ, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और इन सारी चीजों को देखकर एप्पल सबसे बड़ी कंपनी बनी. और आंसर भी आया सर हमारे मतलब पास, अच्छा विक्रांत कश्यप का. ओके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. जबरदस्त यार. तो अमेजोन ने क्या किया था, उसने पैसे ज्यादा कमाए. हाँ 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 अच्छा ठीक और अभी अमेजन ने सर बहुत सारी कंपनियां, चाहे मैं बात करूँ गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है, अगर ओके पैसे में बात करें तो. राइट ठीक है ठीक है. तो अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से क्या कहोगे सर, कैसा क्वेश्चन है. 20 सेकेंड दोस्तों, 20 सेकेंड, माहिष्मति की कसम है तुमको, आ बीस जाइए सेकेंड आ जाइए. सर ने बोला 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा सर. 20 सेकंड ज्यादा है, इन बच्चे वो शातिर खिलाड़ी हैं इसमें बहुत. ठीक है, अभी मेंस पढ़ के आए, उड़ा देंगे ये पूरा. अब की सही से चेक करना भाई, देखिए अतिया बोल रही है अभी सही से चेक करो यार. लीजिए अभी दोबारा चेक कर ठीक लेते हैं, हमारे पास सर चेक करने के लिए टाइम टाइम है, हम इसी काम पर बैठे हैं.
तो यार अब इसने पूछा है कि अवेंडर बाय सिक्स बनानास फॉर रुपीज 25 एंड सेल्स देम एट 3 for 20, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो यार देखो अब ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है तो प्राइस से पूरा एग्जैक्टली हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक का दाम निकाल लो। तो ऐसा हम चलो इसको पूरा समझते हैं कि 25 रुपये में 6 केले खरीदता है, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो 6 बनानास खरीदता है कितने में, 25 में खरीदता है, तो एक कितने में खरीदेगा, 25/6। ठीक है, तो हमें जरा हटा दिया था स्क्रीन से, मैं ये सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूँ। अब एसपी कितना होगा, 20/3, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब 20/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यार अगर 25 में 6 तो 20/3 यानी 40/6 हो गया, यानी 15 कमा रहा है 25 पे, तो आंसर की बिल्कुल झड़ी लग गई होगी सर अब तक तो। यानी कितना कमा रहा है वो, 20/3 है, तो इसको एक बार में ऐसे कर देता हूँ 25/6, और ये लिख देता हूँ 40/6, तो ये 6 से 6 कट गया, रेशियो कितना आ गया, 5/8 आ गया, यानी 3 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता किस पे है एक बार ये भी बता देना कि सीपी जैसा कोई नहीं, यानी 3 का प्रॉफिट 5 पे, यानी क्या चाह रहे हो, 3/5 × 100 यानी कितना परसेंट हुआ बताओ, 60%, दैट इज योर आंसर 60%। वरना ऐसे भी कर सकते थे, देखो 6, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/25 में बेचा और खरीदा, और 6/40 में, ये क्या हो गया सर, एक मिनट, हाँ कहीं भी क्लिक कर लीजिए, 6/25 में बेचा और खरीदा और 6/40 में सेल किया, तो यह तुम्हारा क्या आ गया, सीपी, और ये आ गया एसपी, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए राइट, हमें दिखा दीजिए एक हाँ बार। तो सर इसका जो सही आंसर 60 है, यस 60। तो मेरे को जो दिख रहा है वो आदित्य राठौर हैं जिन्होंने सबसे पहले 60 दिया है। एक बार मैं कंप्यूटर जी से पूछना चाहूंगा कि वो वेरीफाई कर लें एक बार, आदित्य राठौर जी ने 60 आंसर दिया है, क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन से सर सारी चीजें क्लियर हो क्लियर जाती हो हैं। जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा दिया जाए इसी बात पे जब तक। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स से है। अरे बाप रे बाप, तो ये स्क्रीन पे जब तक ही क्वेश्चन दिखाया जाए, इसके लिए भी 20 सेकेंड बहुत है, लेकिन हमें हालांकि 10 सेकेंड ही मिल रहे हैं, तो 10 सेकेंड ही चलो निकाल दो, फटाफट निकाल दो इसका आंसर, रात ज़्यादा हो जाती है सर, बच्चे थक जाते हैं लगता है मेरे को, हाँ सर, है ना, तो और भी इजी क्वेश्चंस लाना चाहिए हमें, और ज़्यादा बढ़िया बेटर क्वेश्चंस लाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम वो करेंगे जल्दी से। गेम फिक्स है, अंशुल बोले गेम अरे फिक्स है, अंशुल भाई ऐसा लगता है आपको, लगता है हमें हमारी शक्ल देख के हम फिक्स करके आएंगे, है ना, ऐसा पॉसिबल है क्या, बस ये कमेंट जिसका आता है फिर हम उसी के साथ चल लेते हैं। हमें सबसे पहले कमेंट से मतलब, ठीक है, तो यार मैं इसको क्या बोलूँ इस क्वेश्चन को, बोलते कि आधी यात्रा 30, आधी यात्रा 20, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपके फेवरेट वाला तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, उसी से हम मैं करवा देता हूँ कि भैया क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले, जिन्होंने मेरे सेशन देखे होंगे, बट अभी फिलहाल हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये हुआ कितना, ठीक है, सो आई थिंक, एक मिनट अच्छा वापस आ चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, तो खेल इसको बोलते हैं, थोड़ा सा खेल हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी सब ठीक है, ठीक है, तो 50 हो गया ये, तो अभी क्या करो यार, 0 से 0 काट दो, 5/4 = 20, तो सर देख लीजिए कि आंसर जो है वो 24 किसका है, वही सही है, 24 किसका है, वही सही है, 24 सर, राधा कृष्णा जी एस, सेकंड टाइम इन्होंने 24 दिया है। चलो ये थोड़ा सा फ्रेशनेस मिल गया आपने आप लोगों को, हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दे प्लीज, क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो गए बच्चे ऐसा बच्चे आंसर निकाल के। बोलते हैं सर चीटिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या ऐसा कर रहे हैं, हम वाकई में कर रहे हैं ऐसी चीटिंग वगैरह? नहीं, अंशुल बोल रहा है वो थोड़ा उसका आंसर जो है
हमने देखा नहीं होगा, उसको लग रहा हो सही आंसर दिया, कभी कभी देता भी है। नहीं सर एक्चुअली होता क्या, देखिए उनके पास उन्हें दिख रहा होगा कि मैंने सबसे पहले दिया, मैं मानता हूँ। पता क्या होता है सर, इंटरनेट जो होता है कि स्पीड पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें, कब यहाँ पे एनरोल की जाए, तो उसमें मैं मानता हूँ कि 5% चांस होते हैं कि ऊपर नीचे हो जाए, कंसोल उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं कि यार ये टेक्निकल चीजें होती है ये, राइट। अब ये क्वेश्चन दिखा जाए स्क्रीन पे सर, हम फटाफट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अरे भाई क्या मस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है क्या होगा जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का सीईओ किसको बनाया गया, हु हैज बीन नेम्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ। समय समाप्त हुआ, क्वेश्चन हटा लीजिए। इसका सही आंसर दिखा दीजिए, कैल्विन रॉबर्ट्स इसका सही आंसर है। कौन सर, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है इतना सारा कुछ, बच्चों को बोल दीजिए पढ़ लेंगे क्योंकि कैल्विन रॉबर्ट्स हैज बीन सदरलैंड्स डिप्टी फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स सिंस जॉइनिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब ये पहले डायरेक्टर थे, अब सीईओ हो गए, तो क्रिकेट में भी सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। किसी ने भी सर इसका आंसर नहीं दिया गिवन, क्या बात करो, ये टफ था ना, आप कहां से लाते हो ऐसे क्वेश्चन। अब बाद में आंसर सब रॉबर्ट कर रहे हैं जब देख लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं माना। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दे प्लीज। क्या कहोगे इस क्वेश्चन के बारे में सर, कितने सेकंड, स्पीड स्पीड मैटर करेगी, देखते किसकी स्पीड बहुत तगड़ी है, और बिल्कुल देख करके शक्ल देख के इसका आंसर निकालो। बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन देकर तुक्का मारने की कला का विकास करो। करेंगे करेंगे, बोलो सब ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है। सब होगा। ये देखिए सर भर दिया, अब भर दिया बिल्कुल ये। मेरा तो सर लग रहा फोन हैंग हो गया इसी चक्कर में, ठीक है। इतने कमेंट्स आ गए, यस कमाल की बात है यार। अब देखो ये वाला आंसर तो निकलेगा, क्या निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, तो यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसको और आसानी से कैसे करेंगे कि 21 का होल स्क्वायर तो हमको पता है कि 441 लिख देता हूँ चलो, और 17 और 13 का चाहे तो अलग से करो, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। सही बात है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, तो 17 और 13 कितना होता है बताओ, 30 होता है, और 17 में से क्या निकल गया 13, तो कितना हो गया 4, तो 3 × 4 कितना हो गया 120 हो गया। सही बात है। तो 120 में 441 जोड़ दो, क्या आएगा बताओ, क्या चाह रहे हो, 561, खत्म कहानी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने यूज क्या किया, तो कंप्यूटर जी जरा सा नीचे सा भी मतलब हम लोग को हटा दीजिएगा स्क्रीन से एक बार, तो यार मैंने ये यूज किया a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बताओ क्या चाह रहे हो, खत्म कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन जो कि अगेन करंट अफेयर से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा सर, इसका आंसर क्या था सर, 561। 561। अच्छा क्वेश्चन है कि फेसबुक ने ऑन किया है इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम के सीईओ का क्या नाम है इंस्टाग्राम, और कितने प्रतिशत लोग, मतलब ये भी बताना। अब मुझे बताया कि सब लोग इंस्टाग्राम पे होंगे मुझे छोड़ के, आप हैं सर, हाँ सर मैं हूँ, अब मैं जो छोड़ के यहाँ सब लोग होंगे इंस्टाग्राम पे, तो ये भी बता देना हाँ मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ठीक है। और अगर आंसर नहीं पता ये भी बताना कि मुझे नहीं पता था लेकिन गलती से इंस्टाग्राम पे हूँ सर, फोटो अच्छा। तो अच्छी मिलती नहीं है मेरी, कम ऑन जल्दी जल्दी आंसर बताओ, कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है ये, जल्दी आंसर बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर करना एक बार, सेट कर दीजिए वीडियो को, सेट कर दीजिए मतलब सेट लाइक करके सेट होती है ना वीडियो, ओके गुड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एडम ओसेरी, राइट, एक बार दिखा दीजिए इसका सही आंसर। और सर पिछली एक बड़ी रहस्य की बात यह है कि स्तुति कुमारी ने दो आंसर सही दिए थे पिछली बार, मतलब अच्छा। दूसरे बार उन्होंने सही दिया था, सब लोग जुकरबर्ग बोल रहे हैं सर, वो मार्क जुकरबर्ग इसलिए बोल रहे हैं ना सर, क्योंकि मालिक फेसबुक है, अच्छा। फेसबुक के, मगर वो किसी और को दिया इंस्टाग्राम, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखिए एडम मोसेरी किसी ने दिया हो एडम, हाँ ये तो ऐसा अभी तक मुझे भी नहीं दिखा,
एक और भी कोई ऐप थी, उसका एक सीईओ था, कुछ स्टेटमेंट दिया था उसने, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, तो हम अगला फाइंड किसी ने दिया है, अभी ने अभियान श्रीवास्तव, मार्टिन गैरिक्स, वो मार्टिन गैरिक्स डीजे के फैन है शायद। अच्छा, अरे वाह, ठीक है, तो मतलब नहीं है, मतलब आंसर नहीं है मेरे ख्याल से, इन्होंने सर आफ्टर द टाइम दिया है। अच्छा, तो या मेरे ख्याल से इन्हें नहीं माना जाएगा। फिर तो जो है यार, गड़बड़ है मामला फिर तो। चलो माफ कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी हम हटा रहे हैं। हाँ। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 801 बच्चे जुड़ चुके हैं सर, क्या कहोगे? धमाका, धमाका बोल दो इसको, 10 का धमाका, एकदम धमाल है, धमाल। बिल्कुल, आंसर इसका बता दो यार। देखो यार, तुम कसम है माहिश मत की कसम, आंसर जल्दी से बता दो, वीडियो ठीक लगे तो लाइक करते जाना। और स्नैपचैट, हाँ निशांत यार, मेरी फीलिंग समझ गया, स्नैपचैट बहुत बढ़िया निशांत, गुड। मैं जो कहना चाह रहा था वो स्नैपचैट का सीईओ था। अच्छा, अच्छा। इंडिया के बारे में कुछ बोला था उन्होंने। हाँ, ये बोला था कि गरीब देश है। हाँ, तो वो मुझे याद था। वाओ निशांत यार, कमाल कर दो यार, ये बच्चे मतलब बहुत बढ़िया यार। ठीक है चलो, एक मुहिम भी छेड़ी थी फिर। अच्छा, ऐप को अनइंस्टॉल करने की, अच्छा रेटिंग खराब करने की, बट कर दी थी। भारतीयों ने मिलकर बहुत चीजें उनकी बिगाड़ी थी। भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, टीम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल, बट अच्छाई में करते हैं। अब यार ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है क्या? क्या बोला है इन्होंने? स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियस, कमाल है, देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, शब्द, शब्दों पे ध्यान देना है दोस्तों। एक मिनट में पेन चला लूं पहले। देखो मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान देना है, शब्दों पे। बिल्कुल, आई ऑलवेज से रीडिंग, रीडिंग करोगे तभी पास होगे, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, तो सब लोग जिन्होंने दिया दिया 2:1 या 1:2, उनका गलत है दोस्तों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का बदल जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आज आप ये सीख के जाना कि रीडिंग करने का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² किसका? स्फेयर का, और हेमिस्फीयर का होता है 3πr², क्योंकि रेडियस सेम है, तो कट के आंसर क्या आएगा? 4:3। तो सर जिसने 4:3 दिया, दीपक यादव ने, क्लियर हो गया, दीपक यादव ने सर, दीपक यादव ने तीसरी बार सही आंसर दिया सर, दीपक यादव ने सही खेल गया भाई, सही खेल गया, बहुत जबरदस्त। दिखा दीजिए हमें, दिखा दीजिए, दीपक यादव सर तीसरी बार, गजब। लेकिन मैं बच्चों देखो, जो जिन लोगों ने 2:1 दिया ना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्तों, ये समझ लेना कि ये जो है रीडिंग आप सबको आता था वो, बट आपको पता है क्या, आंखों का धोखा है ये, आप जोश जोश में पता है क्या पढ़ गए उसको? कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ गए आप। सही बात है। और ये सर बहुत बार होता है सर, ठीक है ना, ये क्योंकि चीज़ों को पता नहीं होता लोगों को, वो जल्दी पढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, और आप बहुत सारे लोग पीओ वाले होंगे, वो लोग ये बात समझो कि ऐसी चीजें होती हैं, एग्जाम में भी होती हैं ये चीजें। सर आपके एक फैन भी हैं, शिल्पी कुमारी बोल रही हैं, अमित सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या कहना चाहोगे? तो यार आप फैन नहीं है, हम सब, देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, हम सब, मतलब मैं भी आप जैसा ही हूँ, तो हम सब एक जैसे ही हैं, डोंट टेंशन, मतलब मेल आईडी है, क्वेश्चन भेज दो, करवा दूंगा, और बताओ। ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यार इतना टफ कहाँ से लाते हो यार आप, ऐसा पूछो ना भारत का प्रधानमंत्री कौन है सर, फिर तो हर कोई गेम में नहीं जीत जाएगा। तो फिर जो जल्दी टाइप करेगा वो आंसर होगा। ठीक है देखते हैं, चलो प्रधानमंत्री नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर पूछ लो। ठीक है सर, कल से ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे। चलिए सर, एक्चुअली होता क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, गूगल पे बैठ जाते हैं। सूरज कुमार बोल रहे हैं दीपक यादव दोस्त है इनका, नहीं भाई कसम से नहीं है यार, भरोसा करो दीपक यादव नहीं है, हम अभी तक जानते भी नहीं दीपक यादव यार। तो कंप्यूटर जी हटा दीजिए, इसका आंसर दिखा दीजिए एक बार, इसका जो आंसर होगा दैट इज टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब देखना है इसका सही आंसर। सर किसी ने दिया भी है, नहीं दिया, दिया है सर, देखिए बच्चों ने आंसर दिया है, इसी बात नहीं जानते हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त, ये अंतरा मैम के फैन लगते हैं शायद, बहुत दिनेश सर से पढ़ते हैं। हाँ। रोहित दयाल आर्य, रोहित ने, वाह जबरदस्त भाई रोहित, गजब, मुझे उम्मीद नहीं थी सर इस क्वेश्चन को दे पाए, बहुत सही जबरदस्त यार रोहित। ठीक, अगला क्वेश्चन सर, दोबारा से आपने कहा था कि बच्चों को फन कराना है, फन के लिए थोड़ा सा मेरा मन किया,
और ऐसा क्वेश्चन लाया, कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत बहुत जबरदस्त। तो बच्चों को दिखाने की आज्ञा दोगे? दिखा दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, यार मुझे 800 लोगों का आंसर चाहिए मेरे को। 800 लोग जब तक कमेंट में नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। 800 लोगों का आंसर चाहिए। अमित सर अपनी मेल आईडी बता दीजिए बच्चों को। तो मेल आईडी है, मेल से रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, amit.pandey@adda247.com। बिल्कुल ठीक है ना। अरे वाह भैया वाह, गजब गजब सर गजब। सबने बोल दिया, सबने 800 लोगों ने दे दिया आंसर। 800 के 800 लोग आ रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं। अच्छा कमाल हो गया यार। तो अब ढूंढ नहीं पाओगे, अब आप ढूंढ के दिखाओ ईमानदारी से बिल्कुल। तो लोकेश सर का काम है ये, ईमानदारी से बिल्कुल ढूंढेंगे कौन जीता, ठीक है। हाँ जल्दी से ढूंढो और बताओ। चले फटाफट आंसर बता दीजिए सर, एक बार आप इसे सोल्व कर लीजिए। अरे कुछ नहीं, एक लास्ट वाला नंबर बढ़ा दीजिए सर, 4 को 5 कर दिया ठीक है, तो 1 5 5 हो गया, ठीक है। फिर 5 को 6 कर दिया 2 6 12 हो गया, 6 को 7 कर दिया तो 3 7 21 हो गया, तो 11 को 12 कर दिया। तो मतलब ये जो हुआ, एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको यार, तो 8 × 12 एक बढ़ाना है हमको, तो 96 हो गया। और बताओ क्या चाह रहे हो, ठीक है। सो 96 इज द आंसर। 96 मेरे को दिख रहा है। हाँ आपको भी दिख रहा होगा, गोकुल चैथे जैसे करके नाम है, ठीक है। तो ये 20वां क्वेश्चन था हमारा, गोकुल चैथे। कैसा लगा ये गेम ये जरूर बताएं सर, आपको कैसा लगा ये गेम? बड़ा मजा आया, मजा आया मेरे को भी, बहुत मजा आया। और इतनी सारी मतलब बच्चे जुड़े, तो आपको पता होगा कि विनर्स के लिए यहाँ पर कुछ होता है। तो आज के जो विनर्स हैं सर, मैं चाहूंगा कि आप अनाउंस करें जो विनर है हमारे आज के, दीपक यादव। इन्होंने 2 नहीं 3 बार सही आंसर दिया है, सबसे बड़ी बात। और दीपक यादव आज के विनर है, और ये बिल्कुल हमारे दोस्त नहीं है, ये इन्होंने सही गेम खेले। और आने वाले गेम्स में भी ऐसे ही होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आपको कर पाएंगे आप। बिल्कुल। सो ऐसा देखो, फैक्ट सीखो, कुछ आपने सीखा होगा आज करंट अफेयर्स में, मैथ्स में भी कुछ सीखा होगा कि रीडिंग करना जरूरी है। तो बस, और दीपक यादव आपको बहुत कांग्रेचुलेशन। तो दीपक यादव के लिए यार ताली वाली बजा दो एक बार, ठीक है ना। अच्छा मजा आया क्या सबको? आया तो एक बार ये भी बता देना, वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक जरूर कर। दीपक यादव अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपनी जो ईमेल आईडी है वो डाल देना कमेंट बॉक्स में, जैसे ही वीडियो खत्म हो तब डाल देना। और मेरी जो ईमेल आईडी है दैट इज lokesh.bharadwaj@adda247, यहाँ पर आप लिख कर भेजें कि सर आज मैं जीता हूँ, और कोई फेक बंदा ना भेजे क्योंकि मैं 2-स्टेप वेरिफिकेशन करता हूँ, राइट। और एक बार सेशन को छोड़ने से पहले जब भी जाओ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा सा गेम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, इस गेम को लाइक करके जरूर जाएं, सेशन को लाइक करके जरूर जाएं, राइट। जब भी जाएं मतलब तबाही मचा दो, देख के आंसर पे आंसर पे आंसर पे आंसर, बस देखो कितना कितना जल्दी सोच पाते हो चीजों को। तो मैंने तो एक क्वेश्चन, मतलब अगर आप, मैं बोलूं सर, तो मैथ्स का जो एक क्वेश्चन था ना स्फीयर वाला, हाँ सर, वो बहुत बड़ी सीख है सबके लिए। बिल्कुल सही। ये बातें आपको शायद अभी नहीं अच्छी लगेंगी, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस का वीडियो देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद आया होगा क्वेश्चन, उनसे गलती हुई होगी तो उन्होंने रियलाइज किया होगा कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंस है। तो दैट वॉज समथिंग कि यार आपने कुछ सीखा, तो इन्हीं चीजों से आप सीखो यार, समझो बात को। जीतने वालों को फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पेड का, तो एक बार ताली वाली बजा दो, हाथ वाथ उंगली उंगली दिखा दो, और क्या बोलते उसको, लाइक कर दो, लाइक कर दीजिए। 800 तो लाइक कर ही दो, चलो 800 नहीं तो 500 तो कर ही दो, बटन तोड़ दो ये लाइक वाला, ठीक है। तो सर आप बस ओवर टू यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मुकाबला 10 का लेकर आ रहे हैं हर रोज रात 10 बजे, 10 क्वेश्चंस मैथ, 10 क्वेश्चंस जीके, और हर शो का होगा एक विनर, यानी 10 शो 10 विनर, और फिर होगा मुकाबला उन 10 लोगों का, यानी मुकाबला 10 का। तो देखते हैं क्या क्या है जीतने का मौका, यानी मुकाबला 10 का। अरे किसी के नहीं बस का साहेब।